For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. अहबाबे गिरामी, इंसान की यह फितरत है कि वो जिस अदा पे होता है उस अदा को कोई बुरा कहे तो उसे बुरा लगता है। यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लम ने जब फारान की चोटी पे सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़ के कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कामयाबी 360 के पीछे भागने में नहीं, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक हुई तौहीद को अपनाने में है, तो सगा चचा आपकी विलादत पे खुशी करने का इजहार करने का, लौंडियों को आज़ाद करने वाला भी गालियों के लबो लहजे में बोला था। अगर कभी बात तलखी अल्फाज की दुरुस्तगी समझ के दिल में गाली आए, बुरा भला आए, 100 बार कह लीजिएगा, ये दिल बड़े खुले हैं। लेकिन सोचिएगा ज़रूर, जो सर्जन होता है ना उसे बसा औकात ऑपरेट करना पड़ता है और नश्तर, और जब कट लगता है तो वो दुश्मन नहीं होता, खैरखा होता है, जहर भी कभी कारे तरियाकी करता है, और इलाज के लिए तरियाक के लिए जहर बसा औकात देना पड़ता है और वो कड़वा लगता है। सही कहा था किसी ने कि हक कड़वा है, लेकिन कहते हैं कि कड़वे को संभालने का तरीका आता हो तो कड़वे करेले बसा औकात बीबी ऐसे बनाती है कि इंसान उंगलियां चाटता रहता है, खाता रहता है। तो किताबो सुन्नत हक वाकई कड़वा है। कोशिश करते हैं कि इसको शुगर कोटेड करें, इसको थोड़ा नरम करें, हाथ हौला रखें, लेकिन अल्लाह का रवैया बड़ा सीधा है, बड़ा क्लियर कट है। वद्दू लौ तुदहिनू फयुदहिनून, ये महबूब तेरे पास आएंगे कहेंगे थोड़ा हाथ नरम रखो, थोड़ी नरमी तुम करो, थोड़ी हम करते हैं, लेकिन नहीं, इनको एलानिया कह दो, कुफर कुफर है, इस्लाम इस्लाम है, बातिल बातिल है, हक हक है। तो मेरे भाइयों, कोई ज़रूरत नहीं धोखा देने की, ना आप अपने आप को दें, ना मैं अपने आप को दूं। अगर मैंने बात को छुपाया तो कयामत के दिन मसूल हूं, कब्र में मसूल हूं, और जहन्नम की लगाम मुझे पहनाई जानी अगर मैंने हक छुपाया। और अगर आप तक पहुंच गया और आपने उसको नहीं अपनाया तो मेरी जिम्मेदारी खत्म। वमा अलैका इल्ला अल-बलागुल मुबीन, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, ये डंडे सोठे की दावत नहीं है, जबरदस्ती की दावत नहीं, दलील दे के हम अपील करते हैं। मन करे तो इन आयात को पढ़ना जरूर कि शैतान के धोखे में हम कहाँ कहाँ आए हैं और कहाँ कहाँ हमने हक को, सुन्नत को, तौहीद को छोड़ा है, और हम बड़े खुश हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही हैं। या अली, हम तेरे हैं, जहन्नम में जाने के लिए वहाब भी बथेरे हैं। ऐसी सोचों से कुछ नहीं मिलेगा, जन्नत अल्लाह की है, वो जिसे चाहेगा भेजेगा, वो रहमान है, वो रहीम है। हमारे बड़े सारे भाई बीमार हैं, आज सब ने कहा, जिसका भी मैसेज आया, मेरा नाम लेके दुआ करना। अब सब नाम मैं यहाँ ले भी नहीं सकता, इतना कहता हूँ अल्लाह तेरी रूह ज़मीन पे तेरे जितने भी बंदे बीमार हैं, अल्लाह तेरे बंदे हैं, शिफा दे दे। अल्लाह अस्पतालों में है, क्लिनिक में, एक भाई ने तो रो के कहा कई दिन से मेरा बच्चा सीरियस हालत में, लाहौर है, अल्लाह के लिए, बड़े बड़े लोग, किसी के पास पैसा नहीं, भाइयों ने राबता किया, जनाब मेरे बच्चे का ये मसला है। तो अल्लाह हम सब की मदद भी नहीं कर सकते, मददगार तू है अल्लाह, दिल देने वाला, बदलने वाला तू है, हालात बदलने वाला तू है। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा दे। अज़हिब अल-बास रब्बन नास वशफ अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक, शिफा अल्लाह युगादिरु सकमा। अकूलु कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।